हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायके तारखाना। आज मैं आपके साथ दाल भापला की रेसिपी शेयर करूंगी। इंदौर और राजस्थान में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। इंदौर और राजस्थान के साथ साथ अब तो पूरे भारत में इन दाल भापलों को बहुत ही शौक से खाया जाता है। छुट्टी वाला दिन हो, ओकेशन या पार्टी पिकनिक में इन दाल भापलों को बहुत ही शौक से बनाया और खाया जाता है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम ये भापले खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज जायकेदार होते हैं। इन भापलों को दाल, बैगन के भरते, आलू के चोखे या फिर चिकन की सब्जी के साथ खाया जाता है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन स्वादिष्ट दाल भापलों को बनाना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। भापलों के साथ खाई जाने वाली दाल बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी तुअर की दाल ली है, एक चौथाई कटोरी मसूर की दाल, एक चौथाई कटोरी उड़द दाल, एक चौथाई कटोरी चना दाल, एक चौथाई कटोरी मूंग दाल। कप या फिर कटोरी से मेजरमेंट कर लेंगे। उसी बर्तन से पानी डालना है। इन दालों को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धोकर मैं भिगा देती हूँ। जब तक भापलों के लिए आटा गूंदेंगे, दाल अच्छी तरह भीग जाएगी। देखिए, दालों को मैंने 2-3 बार धोकर पानी से भिगा दिया है। अब इसको ढककर मैं रख देती हूँ और भापलों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। 3 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। जिस आटे से रोटियां बनाते हैं वही आटा लेना है। बस आटा ज्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। उसी कटोरी से आधी कटोरी मैंने बारीक वाली सूजी ली है। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सारे मसालों के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें 1/4 चम्मच में बेसन डाल देती हूँ। बेसन की जगह मक्के का आटा भी ले सकते हैं। एक बार और मिक्स करेंगे। जब सारे मसाले आटे के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी लेकर उसको गर्म करके इस आटे में डालूंगी। घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से बहुत ही स्वादिष्ट भापले बनते हैं। अब हाथों से अच्छे से मसलते हुए घी को भी आटे के साथ में मिक्स करना है। दोनों हाथों से मिक्स करेंगे तो मसाले और घी आटे के साथ में अच्छी तरह मिक्स होंगे। देखिए, इस तरह से मसलते हुए मिक्स करना है। इससे पहले भी मैंने पार्टी की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप सभी ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। देखिए, ये मैंने गुनगुना पानी लिया है। हल्का गुनगुना पानी लेकर इस आटे को गूंदना है। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा नरम हो जाएगा। भापले या फिर बाटी बनाने में आटा गूंदना ही मेन प्रोसेस होती है। अगर आटा अच्छे से गूंदेगा तो उतने ही अच्छे भापले बनेंगे। आटे को बिल्कुल भी नरम नहीं रखेंगे, नहीं तो भापले अंदर से लुगदी जैसे हो जाएंगे। जिस तरह से हम पूरियों के लिए आटा गूंदते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा यहाँ पर लगाना है। देखिए, इस तरह से आटे को मिक्स करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बाकी का आटा भी गूंद लेंगे। मैं यहाँ पर एक हाथ से आटा मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो दोनों हाथों से भी आटे को मिक्स कर सकते हैं। देखिए, आटा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब आटे में बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और हाथों को गीला करके इस आटे को मैं थोड़ा सा चिकना करूंगी। आटा सख्त है इसलिए शुरू में ज्यादा चिकना नहीं होता है। 3-4 मिनट ही इस आटे को मैं गूंदूंगी। देखिए, इस तरह से हाथों को गीला कर इस आटे को गूंदते जाना है। आटा भी मेरा गूंद चुका है। अब इस आटे को ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, जिससे जो सूजी इसमें डाली थी वो भी अच्छे से फूल जाएगी। इसके बाद आटे को थोड़ा और चिकना करूंगी। तो देखिए, इसको अब मैं कवर करके रख देती हूँ। जो दाल भिगाई थी वो भी अच्छी तरह भीग चुकी है। देखिए, इस दाल को अब मैं कुकर में डाल दूंगी। 1.5 कप मेरे पास दाल थी तो मैं यहाँ पर 4 कटोरी पानी डालूंगी। अगर दाल में पानी कम पड़ेगा तो बाद में भी पानी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/6 चम्मच तेल डालकर सारे मसालों को एक बार दाल के साथ में मिक्स कर लूंगी। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम हाई फ्लेम पर इसमें 4 से 5 विसिल में लगा लेती हूँ। दाल को अच्छी तरह पक जाना चाहिए। गैस ऑन करके एक भगोनी में मैंने 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें उबाल आने देती हूँ, जब तक भापले बना लेते हैं। देखिए, आटा भी अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब इसको थोड़ा चिकना और करूंगी। इस आटे को अच्छी तरह मसल कर चिकना करना है। देखिए, जिस तरह से मैं आटा गूंद रही हूँ सेम वैसे ही गूंदना है। इससे हमारे भापलों में एक अच्छी लेयर बनेगी। आटे को मसलते हुए बेलनाकार में इसे कर लेंगे, फिर उसी को फोल्ड करते हुए दोबारा इसको बेलनाकार में करेंगे। इससे भापलों में बहुत ही अच्छी लेयर बनती है। देखिए, आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। अब इसमें से मैं लोई तोड़ लेती हूँ। भापले में अपनी पसंद से छोटे बड़े बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज के भापले बनाऊंगी। लोई तोड़ने के बाद मैं सारे किनारों को घुमाते हुए बीच सेंटर में ले आएंगी। देखिए, इस तरह से मैं कर रही हूँ, वैसे ही करना है। आटा थोड़ा सा सख्त होता है, इसे थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए लोई को गोल करते जाना है। देखिए, बेहतरीन लोई बन चुकी है और अंगूठे से हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा अंगूठा का निशान इस पर बनाएंगे। इसे भापले देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब दूसरी लोई तोड़कर मैं एक दूसरा भापला बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से सेंटर में सारे किनारों को लेकर आना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, दूसरा भापला भी बन चुका है। अब इसी तरह मैं सारे भापले बना लेती हूँ। देखिए, सारे भापले मैंने बना लिए हैं और पानी भी गर्म
हो चुका है। देखिए पानी में भी अच्छा उबाल आ चुका है। पानी में उबाल आने के बाद ही भापलों को इस पतीली में डालेंगे। अब एक एक करके बड़ी ही सावधानी से इन भापलों को पानी में डालते जाना है। शुरू में भापले नीचे पतीली में जाकर बैठ जाते हैं और जैसे 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 पकते जाते हैं फूलकर ऊपर आते जाते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है और बीच बीच में इनको चम्मच से चलाते भी रहेंगे, जिससे ये तले में या फिर एक दूसरे से ना चिपके। पहले 5 मिनट इनको हाई फ्लेम पर उबालना है। इसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको 10-12 मिनट के लिए पकाना है। बीच बीच में चम्मच से चलाते भी रहेंगे। 15 से 16 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। देखिए इस तरह से इनमें क्रेक्स आ जाना चाहिए, तो समझ लें भापले बहुत अच्छे से पके हैं। गैस की फ्लेम को अब मैं बंद कर देती हूँ। देखिए ये फूल कर कितने बड़े हो गए हैं। चलिए तो इनका पानी निथार कर अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और इनको मैं ठंडा कर लूँगी। ये देखिए मैंने गैस तंदूर लिया है, इसको अवन भी बोला जाता है। इसी में भापलों को सेकेंगे। 5 मिनट पहले इस अवन को मैंने फ्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक करके सारे भापले मैं इसमें रख देती हूँ। अब इन भापलों को 2 से 3 मिनट के बाद पलट पलट कर चारों तरफ से सेकते हुए पकाना है। अब इसको कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पर सेकने देती हूँ। हर 3 मिनट के बाद इनको पलट पलट कर अच्छी तरह सेक लूंगी। देखिए भापले कितनी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। बीच बीच में इनको चेक भी करते जाएंगे और जो भापले सिक चुके हैं उनको साइड में कर देंगे और साइड वाले जो भापले हैं उनको भी सेंटर में ले आएंगे, जिससे चारों तरफ से भापले अच्छी तरह से सेके। सारे भापले मैंने पलट दिए हैं। इन भापलों को एक बार कवर करके मैं दोबारा सेक लूंगी। दाल देख लेते हैं। देखिए दाल भी अच्छी तरह से पक चुकी है। चम्मच से इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं घुटेंगे। थोड़े से दाल में दाने अच्छे लगते हैं। देखिए दाल थोड़ी सी गाढ़ी है तो इसमें पानी डालेंगे। पानी ठंडा नहीं डालना है, पानी को गर्म करके ही इस दाल में मिलाना है। दाल को शुरू में ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे क्योंकि अब ये दाल थोड़ी पकेगी तो और गाढ़ी होगी। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब चलिए अब भापले देख लेते हैं। भापले भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। देखिए कितने बेहतरीन भापले बने हैं। इनके ऊपर जो क्रेक्स आए हैं इनसे पता चलता है कि भापले अंदर तक सिके हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। उन भापलों को मैं निकाल लेती हूँ। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मैं शुद्ध घी डाल देती हूँ और इस घी को गर्म होने देती हूँ। घी में पके हुए भापले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब एक एक करके भापलों को लेना है और इस तरह से एक किचन टॉवल से इनको हल्का हल्का फोड़ लेंगे। भापले गर्म है इसलिए मैंने यहाँ पर टॉवल का यूज किया है। भापलों को फोड़कर फ्राई करने से इनमें घी अंदर तक जाता है। जो भापले होते हैं उनको हल्का हल्का घी में फ्राई करके ही खाया जाता है। अगर आप नहीं चाहते फ्राई करना तो इनको गर्म घी में डुबो भी सकते हैं। देखिए भापलों को मैंने घी में डाल दिया है। एक साइड इनको हल्का फ्राई होने के बाद में मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड भी हल्का हल्का फ्राई होने दूंगी और गरम गरम घी को इन भापलों के ऊपर डालते जाऊंगी, जिससे भापले अंदर तक फ्राई होंगे और घी अंदर तक जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं मैं किस तरह से चम्मच से घी को भापलों के ऊपर डालते जा रही हूँ। जो भापले होते हैं वो अंदर तक फ्राई होंगे और बहुत ही टेस्टी भापले बनते हैं। भापले फ्राई हो चुके हैं, अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी के बचे हुए भापले भी इसी तरह फ्राई कर लूंगी। इन भापलों को बनाकर भी रख सकते हैं और जब भी सर्व करना हो तो इनको घी में फ्राई करें और सर्व करें। देखिए सारे भापले मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब दाल को फ्राई कर लेती हूँ। जो कढ़ाई में घी बचा है उसी में मैं 1 छोटा सर्विंग स्पून तेल डालूंगी। इस तेल को मैं गर्म होने देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और बीच में से इसमें जीरा लगा लिया है। जैसे ही तेल अच्छा तेज गर्म हो जाएगा इन हरी मिर्चों को तेल के अंदर डाल देती हूँ और 1/2 छोटा चम्मच नमक भी डाल दूंगी। चारों तरफ से इन मिर्चों को अच्छी तरह फ्राई करना है। दाल भापलों के साथ में ये फ्राई की हुई हरी मिर्ची बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। देखिए मिर्चियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ और उसी में अब मैं 4 सूखी लाल मिर्चें डाल देती हूँ। जैसे ही मिर्चों का कलर चेंज हो जाएगा 1/2 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, कुछ कड़ी पत्ते, 1/4 चम्मच हींग डालूंगी। कुछ सेकेंड तड़कने के बाद में 4-5 कटे हुए मोटे लहसुन इनको डाल देती हूँ। लहसुनों का कलर चेंज होने तक ही इनको मैं फ्राई करूंगी। इसके बाद प्याज डालूंगी। लहसुन का कलर चेंज हो चुका है, इसमें 4-5 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और एक बड़ी सी प्याज जिसको भी मैंने काट लिया था ये डाल देती हूँ। हाई फ्लेम पर चलाते हुए प्याज का कलर चेंज होने तक इसको मैं भूनते रहूंगी। देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को मैं लो कर देती हूँ और इसमें सूखे मसाले डालूंगी। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने दाल उबालते वक्त भी डाला था इसलिए थोड़ा कम ही डालना है। सूखे मसालों को भी 1-2 मिनट में भून लूंगी। अब इसमें 2 बड़े टमाटर कटे हुए ये डाल देती हूँ। 1/2 छोटा चम्मच नमक भी डाल दूंगी। अब मीडियम हाई फ्लेम पर टमाटरों को चलाते हुए भूनते रहना है। बीच बीच में चम्मच से मैश भी करते जाएंगे जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें उबली हुई दाल डाल देती हूँ। सारी दाल डालने के बाद में 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। एक बार मिक्स कर लूंगी। अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अब इस दाल में उबाल आने देती हूँ। जैसे ही दाल में उबाल आ जाएगा गैस की फ्लेम को मीडियम करके 3-4 मिनट इस दाल को मसालों के साथ में पकने देती हूँ, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर दाल में अच्छी तरह मिक्स होगा। दाल को पकाने के बाद में 1 मुट्ठी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर मिक्स करूंगी।
और दाल को एक मिनट और पका लूँगी। देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। भापलों के साथ खाने के लिए इसी तरह की दाल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ही पतली। अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, ये घी में फ्राई किए हुए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भापले और ये पंचमेल दाल। राजस्थान हो या फिर इंदौर, भापलों के साथ यही पंचमेल दाल बनाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और साथ में ये हरी मिर्चें फ्राई की हुई और जो तीखा चटपटा आम का अचार। आप चाहें तो इन भापलों को बैगन के भरते के साथ, आलू के चोखे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो इन दाल भापलों को ज़्यादातर दाल हरी मिर्चों के साथ ही खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखा आपने, घर पर ही बिना कंडे के बाटी मेकर में ही कितने बेहतरीन भापले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी ये भापला बाटी बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। सभी आपकी तारीफ करेंगे और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।